हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी मैं अपने बेटे को सुला रही हूँ, वो सो जाएगा। ये दोबारा मैं उससे सुला रही हूँ। सुबह उठ गया, उसको चाय नाश्ता, वो अरे चाय नाश्ता क्या, दूध और बिस्किट खिला दिया, और फिर से मैंने इसे सुला दिया है। तो ये सो जाएगा, तभी मैं दूसरे काम कर सकूँगी, खाना बना सकूँगी। तो देखिए, इसे मैंने अभी ये सुला रही हूँ, लोरी गा रही हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी बेटी यहाँ होमवर्क कर रही है अपना, और मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल ढोकली। तो मैंने ये तुअर की दाल ले ली है, और उसमें पानी डालकर मैंने एक टमाटर और मूंगफली के बीज डाल दिए हैं, मूंगफली डाल दी है, और गैस पर चढ़ा दिया ये कुकर मैंने। तो आज सोचा कि चलिए हम दाल ढोकली खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को टिफ़िन ले जाना नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ आटा गूंदने के लिए रख दिया है। मेरा आटा देखिए ये गूंद गया है, मैंने आटा गूंद लिया है, और अभी ये दाल भी हो जाएगी। तब मैं इस आटे से, देखिए ये मेरी दाल बन हो गई है। तो यहाँ पर मैं दाल में मसाला करने जा रही हूँ। तो ये दाल में मैं सारा मसाला डालूंगी। मैं हमारी गुजराती दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं दाल ढोकली का रेसिपी का वीडियो आपको दिखाने चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एक तरफ मेरी बेटी का क्लास चलने वाला था, उसका ऑनलाइन स्कूल हो चलने वाला था, और एक तरफ मेरा बेटा सो रहा था। तो मुझे जल्दी जल्दी में खाना बनाना था, तो मैंने रेसिपी आपको नहीं दिखा सकी। तो मैं बाद में फिर से जब भी बनाऊंगी दाल ढोकली, हमारी गुजराती दाल ढोकली, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ थोड़ी सी। तो मैं वही कह रही थी कि मैं ये रेसिपी आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन नहीं दिखा पाई हूँ। देखिए, मैंने अपनी दाल बना ली है। ये इमली का पानी है, आज नींबू नहीं था तो मैंने इमली का पानी बना लिया खट्टा, और फिर वो दाल में डाला है। यहाँ पर मैं देखिए ये रोटी बना रही हूँ। इसका मैं क्या करेंगे, हम रोटी बनाकर उसे कट कर लेंगे, जैसे शक्कर पारा बनाते हैं उसी तरह से हम ये बहुत बड़ी सी रोटी बनाकर उसे शक्कर पारे की तरह हमें ये कट करना है। तो और फिर वो दाल में हम डालेंगे इसी तरह। और जब भी आटा हम गूंदते हैं ना, तो उसमें ही भी सारा मसाला डालते हैं, मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, जीरा पाउडर, जीरा, अजवाइन, सब डालकर आटा गूंदते हैं, तो बहुत अच्छा स्वाद रहता है। देखिए, इतनी बड़ी रोटी हम बनाते हैं। और फिर मैं इसे अभी काट लूँगी, जिस तरह हम शक्कर पारे कैसे काटते हैं, लेकिन शक्कर पारे छोटे छोटे काटते हैं, और ये हमें थोड़ी सी बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो डायमंड शेप की तरह जो निकलता है उसी तरह, ये मैंने अभी चाकू ले लिया और इसी तरह मैं ये कट कर लूँगी। आज थोड़ा काम में बहुत देर हो गई है, मेरे हस्बैंड को टिफ़िन नहीं ले जाना था, इसलिए मैंने थोड़े उठने में भी देर कर दी, तो काम में भी देर हो गई। तो देखिए, अभी तो मुझे फटाफट से काम करने पड़ रहे हैं सारे। ये हमने खाना, मैंने और मेरी बेटी ने और उसने खाना खा लिया था, और फिर मैं ये बर्तन धो रही थी। सारे बर्तन मैंने यहाँ पे, मैं सुबह के चाय के बर्तन होते हैं, थोड़े सा जो नाश्ता हम करते हैं मैं और मेरी बेटी। यहाँ पर मेरी बेटी ये मुझे कहने आई है कि मेरा क्लास शुरू होने वाला है मम्मी, टाइम हो गया है, तो चलिए देख लीजिए ना कि शुरू हो गया कि नहीं। तो मैं वहाँ पर चली गई थी, तो देखिए यहाँ पर मुझे जाना पड़ा था, और यहाँ फिर से मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैंने सुबह में एक बार तो झाड़ू लगा लिया था, लेकिन बहुत अंदर से रूम में से नहीं लगाया था, वहाँ पर मेरा बेटा सुबह सुबह में सो रहा था इसीलिए। और ये देखिए, मैं अंदर दो हमारे बेडरूम में से ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कितना कचरा होता है ना हमारे घर में। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही ऐसे सारा दिन कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं और फाड़ते रहते हैं, और उनके खिलौने भी यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं, तो वो भी सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं, और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ।
तो कचरा बहुत हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना कचरा, वही मालूम नहीं। थक जाती हूँ कभी कभार तो ऐसा लगता है कि, और बड़ा घर इसीलिए मुझे पसंद नहीं है इतना बड़ा घर, कि घर में झाड़ू पोछा करने में ही 1 घंटा से ज़्यादा वक्त चला जाता है और थक भी जाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत बड़ा घर पसंद नहीं है। और हम 3 लोग हैं, हम 3 लोगों के हिसाब से हम में ये बड़ा घर है ये, तो यहाँ सारे घर में झाड़ू लगाओ पोछा करो और उसी में बहुत थक जाती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरा बेटा बाहर मेरी बेटी के साथ खेल रहा था इस वक्त, तो मैंने सोचा ये देखिए यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कि मेरी बेटी ने नीचे पीछे की साइड पर थोड़ा सा खिलौना डाल दिया था, और ये देखिए ये कचरा भी वहीं से निकला है। तो इतना सारा कचरा हर रोज़ निकलता है, ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में निकला है, हर रोज़ इतना ही निकलता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना कचरा। तो हर मैं डांटती रहती हूँ, तो चलिए आप ये देखिए यहाँ पर ये झाड़ू लगा लिया मैंने, तो फिर पूरे घर में मुझे इसी तरह से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये झाड़ू लगा दिया है, और फिर यहाँ पर मेरे ग्रोसरीज जो अभी मैंने मंगवाया था कुछ सामान, तो वो भी आ गया। तो विम बार मैंने विम लिक्विड मंगवाया था, फिर घी मंगवाया था, यहाँ पे मैंने ये जीरा मंगवाया है, तो ये GM का जीरा है, 500 ग्राम मैंने मंगवाया था। ये चने की दाल मैंने मंगवाई थी, और चने की दाल कम यूज़ होती है लेकिन हम उसका आटा बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने 1 किलो चने की दाल मंगवाई थी। ये मैरी गोल्ड बिस्किट है, मैरी गोल्ड बिस्किट ही मेरे बेटे को मैं खिलाती हूँ, और ये मेरी बेटी के लिए जो सवेरे दूध के साथ वो पार्ले जी बिस्किट खाती है। फिर मैंने ये चाय मंगवाई है, वाघ बकरी चाय, हम वाघ बकरी चाय ही पीते हैं क्योंकि मुझे यही अच्छी लगती है, और मैंने 2-3 अलग अलग बदली लेकिन अच्छी नहीं लगी। और ये टाइड पाउडर मैंने 1 किलो टाइड पाउडर मंगवाया है, अभी थोड़ा सा घर में मैं 2 मंगवाती हूँ, एरियल और टाइड, तो एरियल पड़ा था इसलिए मैंने टाइड मंगवाया है। यहाँ मैंने ये कस्टर्ड ऑयल मंगवाया है जिसे हम दिवेल दिवेल कहते हैं हम इसे, तो कस्टर्ड ऑयल है ये, तो ये मंगवाया है। तो देखिए फिर मैंने ये मूंग मंगवाया है, 500 ग्राम मूंग है ये चाय का मसाला है, और ये है कॉफ़ी, हम कभी कभार कॉफ़ी शाम को अच्छी लगती है पीने की, तो मैंने ये कॉफ़ी मंगवा ली है। फिर ये गुड़ है, गुड़ तो हर महीने चाहिए ही चाहिए, और फिर बस ये अब ये चीनी है, शक्कर, हाँ तो 5 किलो ये शक्कर है। अब आप सोचेंगे इतना ही सामान क्यों मंगवाए, तो इतने की ज़रूरत थी, दूसरा दाल और सब तो वो घर में पड़ा था, तो बस इतना